कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायकों की सदस्यता तो पहले ही जा चुकी है और अब चुनाव आयोग ने भी उन्हें जबरदस्त झटका दिया है। विधायकों की सीटों पर चुनावों का ऐलान कर दिया है, तो कब होगा हिमाचल में विधानसभा के उपचुनाव और बागी विधायकों के पास बचा है क्या रास्ता, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की भी घोषणा कर दी है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां की 4 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी और इसी दिन 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में सुक्खू सरकार के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, जिसके कारण बहुमत वाली पार्टी के उम्मीदवार की हार हो गई और बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया। इसके बाद कांग्रेस शिकायत पर विधानसभा स्पीकर से पार्टी व्हिप न मानने वाले विधायकों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने सभी विधायकों को बजट सत्र में शामिल होने का व्हिप जारी किया था, जिसे न मानने पर 6 विधायक अयोग्य करार दे दिए गए थे। इसके चलते 6 विधानसभा सीटें खाली हो गई थी। इनमें धर्मशाला, सुजानपुर, लाहौल और स्पीति, बड़सर, गगरेट और कुटलेहाड़ विधानसभा सीटें शामिल है। इन सीटों पर अब विधानसभा उपचुनाव कराया जा रहा है। वैसे विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को अयोग्य करार दिए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है। इसी बीच चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक अधिसूचना 7 मई को जारी होगी और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 मई है। यानी 14 मई तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया तो बागियों के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा और उनकी सदस्यता बचने की उम्मीद समाप्त हो जाएगी। DB Live की रिपोर्ट।